नामकरण में अब आ गया है एक नया फेस, जिसके चलते नील और अवनी की शादी हो गई है, लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं। दोनों शादी के बंधन में बंधे के बाद भी एक दूसरे से गैरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे भाई, ये सब हम बना के नहीं बता रहे हैं, हमने तो देखा है, वही तो बता रहे हैं, लेकिन तब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। तो देखा ना आपने कि किस तरह से दोनों एक कमरे में होते हुए भी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। वेल, जो भी हो, लेकिन दोनों एक दूसरे की केयर बहुत करते हैं। तभी तो उठते ही अवनी सोफे पर सो रहे नील को ब्लैंकेट उड़ाती है और जल्दी से तैयार होकर चली जाती है। आपको बता दें कि जब नील नींद से उठते हैं तो वो देखते हैं कि अवनी और श्रुति घर से वापस आ रहे हैं, लेकिन वो अवनी को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उसी के साथ अवनी और श्रुति भी। दरअसल अवनी पूरी तरह से पानी में भीगी हुई घर वापस आती हैं, जिसे देखकर नील उनसे पूछता है कि वो दोनों कहां से आ रही हैं। तब उनकी माँ ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या है हा? इतनी सुबह सुबह कहां गए थे तुम? वो क्या है ना टिलू, जॉगिंग करने गई थी सुबह सुबह। अब लोग सलवार सूट में जॉगिंग करने जा सकते हैं तो साड़ी में भी तो जा सकते हैं ना। और वो क्या है ना, अनन्या ना अब थोड़ी फिटनेस कॉन्शियस हो गई है, बिल्कुल मेरी तरह। अब क्या है ना, वो देखना लोग उन बिना कैसे होते हैं आजकल, एकदम टू मच मैनरलेस, पूरा पानी फेंक दिया बच्ची पर। तो सुना आपने श्रुति का जवाब। अब भला कौन साड़ी पहनकर जॉगिंग पर जाता है? नील के डाउट और क्लियर करने के लिए उनकी माँ उनको सफाई तो देती है, लेकिन नील समझ जाते हैं कि इसमें उनकी माँ और बेबो का हाथ है। वैसे एक और सीन जो देखा गया था जहाँ पर अपनी आपको चतर उड़ा के जा रही है, लेकिन काफी जल्दी वक्त देख के वो बाहर भागती है। हाँ, वो उसमें मैं सो रहा हूँ सोफे पे, वो सो रही है बेड पे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी वो हमारा रिलेशन आया नहीं है कि हम लोग एक साथ एक बेड पे सो रहे हैं। तो उसमें मैं सो रहा हूँ, कराटे मार रहा हूँ, एंड वो बाहर जाती है। बाहर वो दादी मिल जाती हैं, दादी उसे कुछ रसम वगैरह, पानी की कुछ रसम होती है, वो करती हैं। एंड उसके बाद नील अवनी को कमरे में लेकर जाता है और वहीं उसके पीछे उनकी माँ भी उनकी जासूसी करने पहुँच जाती हैं, ताकि अवनी नील को कहीं पानी में भीगने वाली बात का सच न बता दे। तभी तो वो कमरे के बाहर से अवनी को इशारे से मना करती हैं बात न बताने को। मगर नील कहे ना कि मतलब ये पानी में भीगा देख के उसे अवनी को देख के शॉक हो जाते कि ये भीग के। हाँ, ऑब्वियसली आई गेट शॉक्ड कि यार ये पानी में भीग के कैसे आ रही है। मॉम बोलती हैं कि वो जॉगिंग से आ रही है, जॉगिंग में कौन साड़ी पहन के कौन जॉगिंग करने जाता है। सो मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डाउट रहता है कि यार ये क्या सिलसिला क्या है। तो बट मुझे पता रहता है कि बेबे ने ही ज़रूर कुछ ना कुछ टीका और साड़ी पहनने को कहा है, एंड जो भी है ये कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है। बट क्यों छुपा रही है, क्या छुपा रही है, वही जाने। वैसे नील का अगर देखा जाए तो नील को भी अपनी मॉम पे कहने का मतलब डाउट ऐसा होता है कि उसकी मॉम क्लियरिफाई भी करती हैं कि ये चीज़ उसने नहीं की है। हाँ, मुझे मॉम पे भी डाउट होता है बिकॉज मॉम बड़ी प्ले अराउंड करने की कोशिश करती हैं, बट वो खुद चाहती हैं कि मैं जानूँ ये कि ये बेबे ने किया है, ताकि हाँ यही रीज़न। वेल, जो भी हो, इतना तो पक्का है कि आने वाले दिनों में आपको अवनी और नील के बीच रोमांस का तड़का लगता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। NMF News की रिपोर्ट।